hello students and dear viewers welcome to all of you my channel lux classes a very good evening to all of you today i am going to discuss another very important topic that is the heart valves today in this lecture i would like to discuss the valves that is found in the heart are you can see वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्ट वाल्ब्स विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में हृदय के अंदर पाए जाने वाले हम वाल्ब्स की बात करेंगे नो दैट इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल एज इन अदर मैनिमल्स इन्क्लूडिंग द एबियन हर्ट दैट इज मेडअप ऑफ फोर चेंबर टू आरिकल एंड टू विंटरकिल्स right auricle and right ventricle forming the one pump left auricle and left left ventricle forming the other pump. So between the right auricle and right ventricle and between the left auricle and left ventricles valves are present. and the function of the valve is that they have to prevent the backflow of the blood when the blood is entered from the auricle to the ventricle along with this another valves are present at the junction of the pulmonary artery and aorta that is known as semilunar valve semilunar valve are two type first one that is present in the artery that is the pulmonary artery that is the arterial valve arterial valve and second semilunar valve that is present in the aorta that is known as erotic valve so there are two types of semilunar valves are found there and two valves are also found one is between the right auricle and right ventricle that is the tricuspid valve and other will be found between the left auricle and left ventricle that is the bicuspid valve. So the total four valves are found in the human hearts. Now in this lecture we are going to explain about all these four valves. नव लेटस मूव फॉर्वर्ड ई चट्ट्रियम ओपन इन टू द वेंट्रिकल ऑफ इट्स ओन साइड जैसा कि हम जानते हैं ईच चट्ट्रियम का मतलब है प्रत्येक आर्किल ओपन माने खुल जाता है इन टू द वेंट्रिकल माने होता है वेंट्रिकल के अंदर प्रत्येक आर्किल जो है वेंट्रिकल में खुल जाता है इट्स ओन साइड माने अपने अपने तरफ जैसे राइट आर्किल जो है राइट वेंटिकल में खुलता है लेफ्ट आर्किल जो है वो लेफ्ट वेंटिकल में खुलता है तो प्रत्येक आर्किल जो होता है अपने वेंट्रिकल में अपने तरफ खुल जाता है और थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर आर्फिस किसके द्वारा खुला खुलता है एट्रियो वेंट्रिकुलर आर्फिस के द्वारा एट्रियो वेंटिकुलर आर्फिस का मतलब होता है आर्किल और वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है पोर पूर पी ओ आर ई छिद्र या दरार तो प्रत्येक आर्किल अपने अपने तरफ अपने संबंधित वेंट्रिकिल में एट्रियोबेंटिकुलर पोर यानी छिद्र के द्वारा खुल जाता है राइट एट्री एट्रियोबेंटिकुलर आर्फिस इज गार्डेड बाई ट्राईक स्पीड जो दाएं तरफ का एट्रीओवेंटिकुलर पोर होता है उसकी निगरानी करता है ट्राई वाल्व। हैविंग हाइबिंग द थ्री यहाँ पर टू लिखा है यहाँ पर इसको थ्री समझिए हाइबिंग द थ्री इसको थ्री मान चलिए हाइबिंग द थ्री मेम्बरस फ्लैप ट्राईक स्पीड वाल्व क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें तीन ट्राई माने होता है थ्री माने होता है झिल्लीयुक्त ठीक है ट्राइक स्पीड वाल्व क्यों कहते हैं क्योंकि ये मेडअप आप कंसिस्टिंग आप माने मिलकर बना होता है थ्री माने तीन माने हमारे झिल्लीयुक्त फ्लैप माने होता है उभार मिलाकर के तीन झिल्लियों के फोल्ड से बनता है इसे कहते हैं ट्राइक स्पीड एंड द लेफ्ट बाई मिट्रल वाल्व कुल मिला के समझिए राइट आर्किल और राइट बेंट्रिकल के बीच पाया जाता है ट्राई कस्पीड वाल्व और लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट बेंट्रिकल के बीच जो छिद्र होता है जिसको कहते हैं एट्रियो बेंट्रिकुलर आर्फिस उसको गार्ड करता है मिट्रल वाल्व उसको बाई कस्पीड वाल्व कहते हैं तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको याद हो जाना चाहिए साफ सभी को कि राइट आर्किल और राइट बेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ट्राई कस्पीड वाल्व और लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है मिट्रल वाल्व मिट्रल वाल्व को बाइक स्पीड वाल्व भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वगैरह में पूछा जाता है बाइक स्पीड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो मेम्ब्रेनस फ्लैप से बना होता है ट्राइक स्पीड पहले वाले को कहते हैं क्योंकि तीन मेम्ब्रेनस फ्लैप से बना होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं इनको इनलेट वाल्व होते हैं इनलेट माने अंदर की ओर होते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होते हैं अगर ब्लड आर्कल से वेंट्रिकल में आया तो आर्कल से वेंट्रिकल में ही जाएगा और वेंट्रिकल से आर्किल में नहीं जाएगा इनलेट का मतलब अंदर की तरफ अंदर की तरफ मुड़ने वाले ये अंदर की तरफ ही फोल्ड होते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड को बैक फ्लो नहीं करते हैं ईच वाल्व इज अटैच टू द फाइब्रो टेंडिनस रिंग प्रत्येक वाल्व जो है फाइब्रो टेंडिनस रिंग से अटैच होता है ठीक है विच सराउंड द टू एट्रिकुलर ऑर्फिस जो दोनों एट्रीबेंटिकुलर ऑर्फिस यानी एट्रियो बेंटिकुलर रिंग को घेरे रहता है जो इनर एड होता है इनर माने अंदर का एड्ज माना किनारा दोनों एक्ट्रियो वेंटिकुलर वाल्व का जो अंतर का किनारा होता है वो फ्री होता है हाउ एवर द फ्री मार्जिन यद्यप जो स्वतंत्र किनारा होता है वो अटैच हो जाता जाता है पैपिलेरी मसल से किसके वेंट्रिकल्स के किसके द्वारा स्ट्रांग फाइबरस कार्ड के द्वारा कहते हैं कोरडी टेंडनी इसके आगे देखिए नेक्स्ट जो है इतनी बात क्लियर हो गई नाउ लेटस मूव फॉरवर्ड और डिस्कस करते हैं वन बाई वन आगे देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरटा एंड पलमोनरी आर्टरी एवरटा एंड पलमोनरी आर्टरी आर क्लोज बाई सेमिलर वाल्व एवर्टा माने महाधमनी महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वापस वो क्लोज माने बंद होते हैं किसके द्वारा सेमिलूनर वाल्व के द्वारा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सेमिलूनर वाल्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक पलोनरी आर्टरी के अंदर पाए जाते हैं और एक एवरटा के अंदर पाए जाते हैं ये सेमिलर वाल्व इज मेड प्रत्येक कस्तक वाल्व जो है तीन कस्प से बना होता है कस्प माने फ्लैप या उभार जो किसके बने होते हैं थिन फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं दीज आर आउटलेट वाल्व ये बाहर की ओर खुलने वाले वाल्वस होते हैं ओपनिंग अबे फ्राम द हर्ट ये हर्ट से बाहर की ओर खुलते हैं द आउट फ्लो ट्रैक्ट बाहर की ओर बहने वाले ट्रैक्ट या नलिका में पाए जा पाए जाते हैं बोथ एट्रियोबेंटिकुलर एंड सेमिलुलर वाल्ब्स आर फाइब्रस स्ट्रक्चर दोनों चाहे एट्रियोबेंटिकुलर वाल्व हो चाहे आरिकल और वेंटिकल के बीच पाए जाने वाला वाला वाल्व हो या सेमिलुलर वाल्व दोनों वाल्व बोथ एट्रियोबेंटिकुलर वाल्व एंड सेमिलुलर वाल्व ये सब फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं फाइबर के बने होते हैं कबरडान बोथ साइड बाई इंडोकार्डियम ये दोनों तरफ से इंडोकार्डियम से घिरे रहते हैं आगे देखिए व्हेन द मेंट्रिकल फिल्स विथ ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल ब्लड से भर जाता है आप जानते हैं कि सुपीरियर कीवा और इन्फीरियर कीवा जो होती है इम्प्योर ब्लड को सबसे पहले लाती है राइट right आर्किल में फिर राइट right आर्किल से वह ब्लड जो होता है जाता है राइट right वेंट्रिकल में ठीक है और उसी समय साथ, -साथ पलम फिर राइट right वेंटकल से ब्लड जो है पलमोनरी आई के द्वारा लंग्स में जाता है लंग्स में प्योरीफाई होता है फिर तो वहाँ से वो लेफ्ट पलमोनरी बेन के द्वारा आता है लेफ्ट आर्किल में लेफ्ट आर्किल से जाता है लेफ्ट वेंटिकल में यानी एक ही साथ ब्लड जो है राइट right आर्किल से जाता है लाइट राइट बेंटिकल में और साथ ही साथ लेफ्ट आर्किल से जाता है लेफ्ट वेंटकिल में तो जैसे ही बेंटिकल भर जाता है ब्लड से जैसे ही बेंटिकल ब्लड से भर जाता है दे बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट वह संकुचित होना शुरू कर देते हैं द प्रेशर दस प्रोड्यूस इस तरह से दाब उत्पन्न हो जाता है इन द बेंट्रिकल मानी बेंटिकल के अंदर काज द इनलेट वाल्व इस तरह से जो दाब है वो इनलेट वाल्व के ऊपर उत्पन्न हो जाता है इनलेट वाल्व कौन कौन होते हैं ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड जिनको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं तो जैसे ही बेंटिकल ब्लड से भर जाता है वेंट्रिकल में संकुचन उत्पन्न होने लगता है प्रसर प्रोड्यूस होता है वेंटिकल्स के ऊपर जिसके द्वारा जो इनलेट वाल्व होते हैं ट्राइक स्पीड और मिट्टल वाल्व स्नेपट आपस में बंद स्नैप शट बने एकदम बंद हो जाते हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली मैंने साथ साथ मतलब जो ट्राइक स्पीड वाल्व है और बाइक स्पीड वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे जिससे जो ब्लड आरिकल से वेंटिकल में आ रहा है वो बंद हो जाएगा तो ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड तो बंद हो जाएंगे लेकिन आउटलेट खुल जाएंगे सिमिलर वाल्व खुल जाएगा जिसके द्वारा वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा पलमोरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में और और लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स का ब्लड एक के द्वारा चला जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली मैंने साथ साथ जो आउटलेट वाल्वस हैं सिमिलर वाल्व है ओपन हो जाएंगे खुल जाएंगी परमिटिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड इस तरह से परमिटिंग माने इजाज़त देते हैं डिस्चार्ज माने मुक्त होना ब्लड माने रक्त को इस तरह से जैसे ही सेमिलुलर वाल्व खुल जाएगा जो ब्लड होता है वह डिस्चार्ज हो जाएगा मुक्त हो जाएगा राइट right आर्किल जैसे ही सेम्युलर वाल्व ओपन होगा जो ब्लड है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कहाँ से राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल से टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एवर्टा रिस्पेक्टिवली कुल मिलाकर के जैसे ही सेम्युलर वाल्व ओपन होगा जो ब्लड है वो राइट right आर्किल और लेफ्ट जो राइट right टिकल है वहाँ से पल्मोनरी एवर्टर आर्टरी के द्वारा चला जाएगा लंग्स में और लेफ्ट आर्किल के द्वारा चला जाएगा लेफ्ट बेंटिकल्स के द्वारा एवर्टा के द्वारा चला जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सब्सिक्वेंट रिलैक्सेशन ऑफ़ द हार्ट, क्रमशः हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन होगा एंड कॉन्सिकुंट माने होता है साथ साथ फॉल इन द प्रेशर प्रेशर कम हो जाएगा इन द वेंटिकल के अंदर एंड फॉलोड बाई द क्लोजर ऑफ़ द आउटलेट वाल्व बाद में सेमिलुलर वाल्व बंद हो जाएंगी एंड ओपनिंग ऑफ द इन इनलेट वाल्व और अब अंदर की वाल्व खुल जाएंगी अब सेमिलुलर बंद हो जाएगा तो ट्राई कस्पिट और बाई कस्पिट खुल जाएंगी अब ब्लड आर्किल से आएगा वेंटकिल में दिस परमिट्स दिस माने यह परमिट्स माने इजाजत देते हैं दिस परमिट्स द ब्लड टू इंटर इं, फ्रॉम द एट्रिया इंटू द वेंटकिल यह इजाजत देते हैं जिसके द्वारा ब्लड जो है आर्किल से वेंट्रिकल में आने लगता है द ओपनिंग क्लोजिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इस तरह से ओपनिंग माने खुलना क्लोजिंग माने बंद होना एक्शन माने क्रिया हार्ट माने हृदय की इस तरह हृदय के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग की जो क्रिया होती है वाल्व्स के द्वारा प्रोड्यूस माने उत्पन्न करती है टू प्रिंसिपल बेसिक साउंड तो महत्वपूर्ण दो मुख्य आवाज निकलती है साउंड निकलती है फर्स्ट इज द स्ट्रोंगेस्ट पहली वाली सबसे मजबूत होती है एंड करस्पॉन्ड मैंने संबंधित होती है टू द क्लोजर ऑफ द एट्रियो बंटिकुलर वाल्ब जो कि एट्रियो बंटिकुलर वाल्ब की बंद होने के कारण होती है एंड सेकेंड जो है सेपरेटेड फ्राम द फर्स्ट साउंड दूसरी जो है फर्स्ट साउंड से अलग होती है एंड शार्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय बाद होती है करस्पॉन्ड टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व जो कि सेमिलुलर वाल्व के बंद होने से होती है फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड आर ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड बाई लव एंड डब इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड हार्ट की जो आवाज़ होती है उसको परंपरागत रूप से लब और डब कहा जाता है यानी लब एल यू डबल बी डी यू डबल पी जो लब होता है ये का स्पीड और का स्पीड वाल्व की बंद होने से निकलती है और जो डब की आवाज़ होती है लूनर वाल्व की बंद होने से निकलती है इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा फीड कर लीजिए दिमाग में लब और डब जो आवाज़ होती है हर वाल्ब्स के बंद होने से लब की आवाज़ तब आती है जब इनलेट वाल्व बंद होते हैं जैसे ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वाल्व जब बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है और जब आउटलेट वाल्व क्लोज होते हैं तो डब की आवाज़ आती है डी यू डबल पी रिस्पेक्टिवली बिटवीन द सेकेंड एंड फर्स्ट साउंड इस तरह से सेकेंड और फर्स्ट साउंड के बीच में फॉलोइंग साइकिल देर जे पीरियड ऑफ साइलेंस इनके बीच थोड़ा सा जो है कुछ देर साइलेंस यानी शांत कुछ देर का समय जो होता है एकदम शांत होता है उसको ग्रेट साइलेंस कहते हैं इन एडिशन टू द एब ऊपर के अतिरिक्त टू मोर साउंड्स आर हर्ड दो और भी आवाज़ सुनी जाती है द थर्ड हर्ड साउंड कैन बी हर्ड इन द चिल्ड्रेन तीसरी आवाज़ जो होती है बच्चों में सुनी जा सकती है एंड यंग एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स माने जो होता है जो यंग बच्चे होते हैं यंग माने दो जो है बिटवीन द फोरटीन टू सिक्सटीन ईयर ओल्ड तो दूसरी आवाज़ जो है यंग और एडल्ट में सुनी जा सकती है इस सेटअप सेटअप माने व्यवस्थित होती है वन द लेफ्ट बेंट के लिए चेंजिंग फ्राम ए स्टेट ऑफ एक्टिव रिलैक्सेशन टू तो द पॉजिटिव डिस्टेंसन जब लेफ्ट बैंकिल अपना जो है प्रावस्था चेंज करता है सक्रिय रिलैक्सेशन यानी आराम की मुद्रा से पॉजिटिव डिस्टेंसन का मतलब जब जो, जो उसमें फैलाव आता है फोर्थ थर्ड साउंड जो चौथी हार्ट साउंड होती है उसको एट्रियल हार्ट साउंड कहते हैं इज अनएडेबल ये ये सुनाई नहीं पड़ती है इन नॉर्मल पर्सन में एंड कार्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एट्रिया के संकुचन के कारण होता है उन्हें द ब्लड रशिस्थ होता है एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व जब ब्लड जो है एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व से पास करता है दिस इज द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से आगे हम आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ वाल्ब्स पाए जाते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनामिलीज इन दिज साउंड अगर डिटर्मिनेशन करना हो निर्धारण करना हो एनाज मैंने कमियाँ अगर हर्ट साउंड में कोई कमियाँ आ रही हैं इसका डिटर्मिनेशन करना हो निर्धारण करना हो द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस अगर हमको बेसिस ऑफ डायग्नोसिस तो द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द बल्बुलर डिफेक्ट यानी वाल्व के अंदर जो डिफेक्ट होता है या उसको हम लीकी वाल्व कहते हैं जब अगर कोई वाल्व लीक होगा तो उसके अंदर से एक एडिशनल साउंड निकलती है जिसको कहते हैं मरमरस विच में फर्निज द इम्पोर्टेंट क्ल्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द वल्वलर डिफेक्ट बताता है कि वाल्ब्स के अंदर डिफेक्ट आ रहा है इसको हम दूसरे डायग्राम में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं हर्ट के वाल्ब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो लेटेस्ट रिमूव फार वर्स इसमें आपको दिखाते हैं कि हर्ट्स के वाल्ब्स कौन कौन है शुक्रिया यहाँ पर आपको देखेंगे आपको डायग्राम दिख रहा है ये है ऊपर का वाल्व ये है सुपीरियर बेना केवा ये है सुपीरियर बेना केवा ये देखिए सुपीरियर बेना केवा से जो ब्लड आता है ये ऐसे आएगा ऐसे सुपेरियर के बेना केवा से जो ब्लड आएगा लंबर रीजन के ऊपर कमर के ऊपर और ब्रेन तक का जो ब्लड है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सुपीरियर बिना के से आएगा राइट आर्किल right में आएगा राइट आर्किल right है और इधर देखिए ये इधर से इन्फीरियर बिना की जा रही है इन्फीरियर बिना की वह है इन्फीरियर बिना के वह क्या करती है कमर के नीचे का ब्लड लाती है ऊपर से सुपीरियर बिना की हुआ नीचे से इन्फीरियर बिना के हुआ दोनों इम्प्योर ब्लड लाते हैं सुपीरियर मेना केवा जो होती है लंबर रीजन के ऊपर से लाती है और इन्फीरियर मेना केवा लंबर यानी कमर के नीचे से ब्लड लाती है दोनों ला करके ब्लड को पोरबाने उड़ेल देते हैं कहाँ पर राइट आर्किल में अब राइट आर्किल से यह ब्लड जाएगा राइट बेंट्रिकल में ठीक है ये राइट एट्रियो बेंट्रिकुलर आर्फिस यही है यहीं पर ट्राई का स्पीड वाल्व होता है ये देखिए ये आर्किल है और नीचे कहाँ हो क्या होगा ये बेंट्रिकल होगा ये राइट बेंट्रिकल लिखा है ना ये ऊपर आर्किल है नीचे बेंट्रिकल है इनके बीच वाल्व होता है उसको कहते हैं ट्राई का स्पीड वाल्व ये फर्स्ट वाल है ट्राई कस्पिड वाल वहीं पाया जाता है इसे कहते हैं आर्किल और बेंटिकल के बीच जो छोटा सा पोर होता है उसको एट्रियोबेंटिकुलर आर्फिस कहते हैं तो इसी में ट्राई कस्पिड वाल पाया जाता है ठीक है अब देखिए अब ब्लड यहाँ आ जाएगा फिर पलमोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स में पलमोनरी आर्टरी आ रही है और पलमोनरी आर्टरी में जाएगा लंग्स में होगा प्योरीफिकेशन फिर वो पलमोनरी बेन के द्वारा पलमोनरी बेंस लगी हैं ब्लड आ जाएगा कहाँ पर लेफ्ट आर्किल में लेफ्ट आर्किल से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो लेफ़्ट आर्किले है और लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच पाए जाते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व यानी मिट्रल वाल्व पाया जाता है तो ट्राई का वाल्व फर्स्ट यहाँ हो गया सेकेंड मिट्रल वाल्व वाल यहाँ हो गया ये दोनों वाल्व क्या हैं एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व हैं एक पाया जाता है राइट आर्कल से राइट वेंट्रिकल के बीच एक पाया जाता है लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच तो दो वाल्व तो ये हो गए तीसरा वाल्व क्या है दो सेमिलुलर होते हैं एक सेमिलुलर वाल्व कहाँ पाया जाएगा ये देखिए जब ब्लड जो है राइट आर्किल से पलमरी या एवर्टर पलमोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स में तो यहाँ पर देखिए आयरो लगा है ना ये सेमिलुलर वाल्व है ये सेमिलुलर वाल्व है पलमोनरी आर्टरी के अंदर पाया जाता है फर्स्ट सेमिलुलर वाल्व और एक वाल्व जो यहाँ पर पाया जाता है एवरटा के अंदर ठीक है ये है देखिए ये यहाँ पर दिया गया है ये सिमिलर वाल्व ओपनिंग इन टू द एवर्टा तो इस तरह से सिमिलर वाल्व दो होते हैं एक सिमिलर वाल्व वाल्मी आर्टरी में होता है और एक सिमिलर वाल्व जो होता है वो एवर्टा में होता है दो तो फर्स्ट सेमिलुलर फर्स्ट सेमी लूनर वाल्व जो आर्टरी में होता है उसको कहते हैं आर्टीरियल वाल्व जो एवर्टा में होता है उसको कहते हैं एवरोटिक वाल्व तो सेमिलुलर सेमी लूनर वाल्व दो हो गए एक एवरोटिक एक आर्टीरिय में होते हैं एक एवरावरटा में होते हैं ठीक है एक आर्टरी में होते हैं इनको कहते हैं आर्टीरियल आर्टीरियल कहते हैं और एक कहते हैं एवरोटिक, तो इस तरह से दो वाल्व होते हैं एक आर्टीरियल और एक एवरोटिक, ठीक है इस तरह से चार वाल्व होते हैं टाई क्यों कहते हैं तीन कस्प होते हैं वन टू थ्री ठीक है ट्राई का स्पीड है इसमें भी तीन कस्प होते हैं सेमुलर में भी तीन कस्प होते हैं वन टू थ्री का स्पीड में दो होते हैं एक फर्स्ट और एक सेकेंड भी से देखिए ये हो गया बाकी चीज़ें आपको पहले से ही पता है तो तो ये पलमोनरी आर्टरी है बाकी ये वर्टा के द्वारा फिर ब्लड जो है पलमोनरी जब पलमोनरी दिखिए अभी इसको फंक्शनिंग समझा दूँ सुपीरियर बेनो के बाद और इन्फीरियर बेनो के से ब्लड आता है राइट आर्कल में राइट आर्कल से राइट right वेंटिकल में राइट right वेंटिकल से डी ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है लंग्स में लंग्स में होता है प्योरिफिकेशन शुद्ध हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है लेफ्ट आरिकल में लेफ्ट आर्कल से लेफ्ट वेंटिकल में आता है फिर इस एवरटा के द्वारा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो इस पल्मोनरी आर्टरी और एवराटा के बीच में जो जो वाल्व पाए जाते हैं यहाँ पर दोनों का जंक्शन होता है वो सेमिलुलर वाल्व होते हैं इस तरह से दो सेमिलुलर वाल्व हो गए एक आर्ट्री के बीच में और एक वट्टा के बीच में तो दो सेमी सेमिलूलर और एक ट्राई का स्पीड और एक बाइक का स्पीड कुल मिला के चार वाल्व पाए जाते हैं सो दिस इज द अबाउट द हार्ट वाल्ब्स आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड द लेक्चर्स थैंक्स टू ऑल ऑफ टूर वॉचिंग वीडियो थैंक यू